नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या रह सकता है, किस लेवल के बाद आपको इस पे बाइंग करनी चाहिए, मतलब किस लेवल के बाद निफ्टी हमारा बुलिश होगा, अभी करेंट मार्केट ट्रेंड क्या है और कब ये काफी ज्यादा निफ्टी जो है वो बेरिश हो जाएगा, इस सभी चीजों को जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिये, निफ्टी का अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर देखिये कैंडलस्टिक को देखें तो ये जो हाई लगाया इस हाई से नीचे था, फिर ये हाई नीचे था तो लोअर हाई बन रहा है, तो लोअर हाई बन रहा है मतलब ये जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म ट्रेंड वो बेयरिश है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लो बन रहा था वो लो भी लो बन रहा था, ये सेम लो बना, लेकिन ये जो लो बना नीचे बना और ये जो लो बना था वो यहाँ के लो से नीचे था। देखिए यहाँ लगातार लोअर लो बन रहा है तो हमारा ट्रेंड क्या है, बेयरिश है। लगातार लोअर हाई बन रहा है मतलब ट्रेंड बेयरिश है, तो दोनों जब एक साथ बने लोअर हाई लोअर लो तो ट्रेंड बेयरिश होता है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के द्वारा हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। अब बात करें मोमेंटम का, तो अभी जो करंट मोमेंटम हो वो अप है, तो करंट मोमेंटम की बात करें निफ्टी का जो करंट मोमेंटम है वो अप डायरेक्शन में है, ट्रेंड हमारा बेयरिश है। तो यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि प्राइस जो है वो सप्लाई के पास है या नहीं, अगर सप्लाई के पास है तो वहां जैसे रिवर्सल हमें दिखेगा तो हम उसको सेल करेंगे। यहाँ पर सप्लाई जोन की बात है तो पिछला जो सप्लाई हमें आया था यहाँ से आया था, तो ये सप्लाई जोन है निफ्टी का, इसके पास अगर प्राइस आता है यहाँ पर अगर हमें रिवर्सल दिखता है तो हम इसको सेल करेंगे। अगर वहीं बाइंग जोन की बात है तो जो बाइंग जोन है वो काफी नीचे है, तो प्राइस जो है अभी बाइंग जोन से काफी ऊपर है मतलब डिमांड जोन से काफी ऊपर है जबकि सप्लाई जोन के लगभग करीब है, तो सप्लाई जोन से जैसे यहाँ रिवर्सल होगा तो हम इसको सेल करेंगे। अब बात करें यहाँ पर प्राइस का, तो प्राइस जो है काफी गैप के साथ नीचे यहाँ पे भी ओपन हुआ, इस गैप को भी फिल किया, यहाँ पे भी एक गैप क्रिएट हुआ, इस गैप को भी फिल कर चुका है, तो हमें हो सकता है यहीं से ये डाउन बार मोमेंटम दिखाए, या हो सकता है यहाँ सप्लाई जोन के पास आने के बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर के फिर वापस नीचे फॉल करे। वही अगर हम ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेंड बेयरिश ट्रेंड चल रहा था यहाँ पर एक देखिए बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाया था और इस बेयरिश फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर फिर ब्रेकआउट हुआ था, फिर से यहाँ पर देखिए एक ये पोल बना है हमारा और फिर से एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बना है और ये देखिए ये लगभग फ्लैग टाइप का है, तो इस फ्लैग को यहाँ पर आता है यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें ये टारगेट मिल सकता है। ये हो गया हमारा सप्लाई और डिमांड जोन और साथ साथ पैटर्न ट्रेडिंग, तो देखिए इसमें पैटर्न भी हमारा कंफर्मेशन है, जब तक प्राइस जो है इस सप्लाई जोन के ऊपर नहीं निकल जाता है इसको ब्रेकआउट करके तब तक हम बुलिश निफ्टी में नहीं होंगे। तो निफ्टी में बुलिश कब होंगे, जब निफ्टी 16,800 के ऊपर टिकलेगा तब हम पूरी तरह से इसमें बुलिश हो जाएंगे। वहीं अगर निफ्टी सप्लाई जोन से रिजेक्ट होने के बाद फिर से यहाँ पर गिरावट दिखाता है, अगर लोअर लो बनाता है तो फिर हम बेयरिश ही रहेंगे, लेकिन अगर हाईर लो बनाता है तो फिर यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकता है जब ये इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर देगा। वहीं अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो अभी जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हो जाता है यहीं से इस लेवल से तो ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम नीचे की बात करें, अगर यहीं से प्राइस रिजेक्ट होता है और इस ट्रेंड लाइन तक आता है तो ये प्राइस जो है निफ्टी का वो एक चैनल में चला जाएगा। तो प्राइस जो है निफ्टी का वो एक चैनल में कब होगा, जब यहां से प्राइस इसी लेवल से रिजेक्ट हो और वापस इस लेवल तक आए, लेकिन अगर ये यहाँ पर इस के ऊपर निकलता है और यहाँ पर इस सप्लाई जोन तक आता है तो फिर हम इस सप्लाई और डिमांड जोन को ट्रेड करेंगे, फिर हम इस डिमांड जोन तक प्राइस अगर यहां से रिजेक्ट होता है तो यहां तक फॉल करने का वेट करेंगे। तो देखिए यहां पर पैटर्न ट्रेडिंग भी है, बेयरिश फ्लैग भी बना है, सप्लाई डिमांड जोन भी है, मतलब हर पैरामीटर्स हमें बता रहा है कि निफ्टी यहां बेयरिश है, हर पैरामीटर पे निफ्टी बेयरिश है। बुलिश कब होगा, जब ये 16,800 के ऊपर निकलेगा। तो यहां पर जो आपको ट्रेड लेना है वो लॉन्ग ट्रेड से बचना है, लॉन्ग तभी जाएंगे जब 16,800 के ऊपर निकलेगा। यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा कि हम शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढें, जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत बुलिश कैंडल बनता है लेकिन जैसे यहाँ पर कोई बेयरिश इनगल्फिंग बनता है या यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनता है और यहाँ पर जैसे बेयरिश ट्रेड एक्टिव होगा तो बेयरिश ट्रेड लेना ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। आप पोजिशनल बेयरिश ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं लेकिन बुलिश लेने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जब तक हम 16,800 के ऊपर नहीं निकल जाते हैं। वहीं आप स्टॉक स्पेसिफिक जो है ट्रेड ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो अभी काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाएंगे क्योंकि अभी जो हमारा करंट मोमेंटम है निफ्टी का वो है अप ट्रेंड का, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है वो हमारा डाउन बार है लेकिन मोमेंटम अप है। तो कई सारे ऐसे जो फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त तेजी आपको देखने मिल रहा होगा, तो उसको अभी आप बाय करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जब तक निफ्टी हमारा मोमेंटम जो दे रहा है वो अप बार दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश ट्रेड लेना है, जबकि अगर आप निफ्टी को शॉर्ट निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो अभी
आप जो है वेट करेंगे रिवर्सल का, जैसे बेयरिश ट्रेंड यहाँ पर एक्टिव होगा तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, जबकि स्टॉक स्पेसिफिक आप बुलिश रह सकते हैं जब तक हमारा निफ्टी बेयरिश नहीं हो जाता। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।